पटना में गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ा है। इसके चलते एनआईटी घाट पर नाविकों ने परिचालन बंद कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो अगले 48 घंटे में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगा। रिपोर्ट देखिए। राज्य में सूखे की स्थिति हो, लेकिन गंगा में तूफान मचने लगा है। बक्सर के बाद गंगा पटना के नहाती घाट में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। कल रात से लगातार गंगा में तूफान जारी है और जो हमारे पास जानकारी आ रही है केंद्रीय जल आयोग के नियम केंद्रीय जल आयोग के ऑफिस से कि पटना में गंगा का जो जल स्तर है एनआईटी घाट पर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर यही हालात रहे तो कल के बाद किसी भी समय गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। यह हालात है पटना के एनआईटी घाट का। हम आपको यह नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। इस नज़ारे को आप देखिए किस तरीके से पूरा लहर है गंगा में और गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो है यहाँ पैरामीटर है गंगा का, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामीटर है। ये गंगा का पैरामीटर लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कह सकते हैं कि लगातार जो स्पीड है वो स्पीड गंगा की बढ़ रही है। ये पैरामीटर में आप देख सकते हैं और लगातार पानी जो है गंगा का वो चढ़ रहा है। बक्सर के बाद पटना में भी गंगा बिल्कुल उफान पे है। ये नज़ारा आप थोड़ा गौर से देखिए। जो नाविक हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लहर बहुत ज़्यादा है गंगा के स्पीड में और यही कारण है कि यहाँ नाव की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नाव की स्थिति किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि नाव पूरी तरह से गंगा के अंदर नाव डगमग हो रहा है। हालांकि लोग उसमें हैं लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि गंगा बिल्कुल तूफान पर है। पटना के एनआईटी घाट में गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के दर से गंगा की का स्पीड बढ़ रहा है। तो ये नज़ारा है पटना के गंगा घाट का जो मैंने आपको दिखाया। और फिलहाल अब आप समझिए कि आने वाले 1 से 2 दिनों में स्थिति यही रही तो गंगा कह सकते हैं कि खतरे के निशान से पटना में भी पार कर जाएंगे। तो सूखा है राज्य में लेकिन गंगा में तूफान मचना कल रात से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल के तराई में जो बारिश हुई है उससे गंगा लगातार उफान पे है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गबालम।